चलो मैं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2 दिन में प्लान बनाया और आज निकल गया। अरे रे 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 नहीं 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 ऐसा अचानक आने का क्या रे बाबा। अंदर टर्न करेगा, ये अंदर टर्न करेगा। देखा, मुझे पता था ये अंदर टर्न करेगा। देखो देखो 129 सिर्फ 2 सेकंड में, 15 मिनट में काम थी। हाँ, ये आधे घंटे में हम लोग रामटेक टर्निंग पर पहुँच गए इतने जल्दी। और सीधे हम लोग नागपुर तो 1.5 घंटे में टच कर दिए। बता कितने घंटे में पहुँचे अपन लोग? 300 किलोमीटर, 3.5 घंटे। वाह, नया रिकॉर्ड है भाई अपना ये। ग्रीनरी ना अपने आप में दिल को खुश कर देती है। और कभी भी ट्रैवलिंग करूँ ना, तो हर 100 किलोमीटर में चाय का टेस्ट चेंज हो जाता है। सही है यार, मैं तो बोलता गाड़ी में दम नहीं होता, दम होता है राइडर के अंदर, वो कैसे भी राइड कर सकता। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं। अभी हम खाने के लाए, भैया बताएंगे क्या है खाने। भैया सब्जी में सर, सब्जी आलू पालक चना मसाला सेव टमाटर मिक्स वेज मलाई कोफ्ता मटर पनीर शाही पनीर कढ़ाई पनीर मटर पनीर मसाला पालक पनीर लच्छा पनीर पनीर पंजाबी पनीर लाजवाब पनीर मक्खन वाले दाल फ्राई दाल तड़का दाल मखानी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो स्लो मोशन में देखना पड़ेगा। हाँ, मैं स्लो मोशन में देखूँ फिर बताऊँगा। तंदूरी रोटी नान लच्छे पराठे बटर नान गार्लिक नान मिक्सी रोटी। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो बोला दादा एक बार और, वंस मोर नहीं हो पाएगा। हां जी, देखिए ऊपर है झाड़ और नीचे है पहाड़। आप लोग कर रहे नदी नर्मदा में धोखा। जिनकी नई नई शादी होती है इसी होटल को बुक कराते हैं, वो दोबारा आते हैं तो धर्मशाला घूमते हैं। राज कपूर यहाँ से बचता है। मेरा नाम राजू, घराना है धाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। इलाहाबाद में गंगा बहती है झूठ बोलता है, नर्मदा माई को गंगा बता। अरे हाँ, याद आया। कल शाम को ढाबा, वहाँ पे एक रैपर मिला, उसके आज दद्दू मिले। के नहीं है जो कॉलेज में लड़का लड़की फेल, डायरेक्ट टीसी लेके पास, जो बीवी से परेशान वो धुआंधार। अपनी बीवी को खड़ा करते हैं, थोड़ा पीछे फिर से हमारे तीसरे रैपर मिल चुके हैं हमें एक बार। भैया फिर हाँ, वेलकम टू भेड़ाघाट वीएफपी। आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। आएंगे तो पाएंगे, नहीं तो खड़े खड़े पछताएंगे। पिएंगे तो सीधे जाएंगे, नहीं तो नर्मदे। जबलपुर के लोग ना बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। यानी पूरी नर्मदा जी में ऐसा नहीं कहीं भी हो सकते हैं, पर मोस्टली जो है आगे भैंसा घाट करके वहाँ पे है, क्योंकि जो रेवा मैया है इनका जो वाहन है, जो माता सवारी करती है उनका वाहन मगरमच्छ ही है। अगर आपने गाइड हायर किया तो ही आप घुमा पाएगा गाइड आपको, अदरवाइज आप वो जो पुराना दिखाया था जो भेड़ाघाट जहाँ भीड़ थी वहीं आप घूमोगे और वहीं से चले जाओगे और आप समझोगे कि भेड़ाघाट यही है। ये है भेड़ाघाट। असली भेड़ाघाट तो इधर है भाई, लोग उधर घूम के वापस। मजा दिला दिया भाई, आदाब दिल की गहराई से थैंक यू भाई। और ज्यादा गहराई से तो बता है, बहुत गहराई है। दोनों एक साथ देख लिए, सूरज भी डूब गया और चांद भी निकल आया। हाँ यार, पानी के अंदर ही हो, हम पानी में राइड करते हैं। अबे आजाद, अबे कॉफी है यार, यार ये चाय कॉफी है, चाय है भाई। सब कुछ बड़ा बड़ा मिल रहा है, ये पटियाला वाला रैप गॉड सबने सुना होगा, M&M का नाम ये बिट्टू द रावत रैप गॉड। ये न्यू भेड़ाघाट है। न्यू भेड़ाघाट, हाँ, पर जो फेमस है वाटरफॉल के नाम से धुआंधार, वो उस पार का है। वो ये जो बोल रहा था, इसके ऊपर तक के पानी आते, पूरी चट्टाने जो है वो पानी में डूबी होती है। और
तो आजाद नाचिए। राहुल नहीं छोड़ दे, राहुल भी नहीं नाचेगा। अरे बाय गुड, उड़ा। पहले एग्जॉस्ट के पैसे जमा कर रहे हैं, फिर बाद चलान पता नहीं कब चालू करते हैं, उसको पहले पता यूज़ करना। अरे मेरे भाई के साथ वही बात चल रही थी कि हम लोग कैप क्यों पहनते इतने ज़्यादा, क्योंकि बाल खराब हो जाते हेलमेट पहनने के बाद। तो फिर सिर्फ ऐसा कैप उल्टा करो, बालों का टेंशन नहीं करता। लेकिन भाई ने एक बहुत अच्छा जोक बात किया अभी गाड़ी के लिए, कि गाड़ी से उतरे और हाथ डाले और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। बोला हाँ ऐसा हुआ है, ढूंढ के निकालना पड़ता होगा ऐसे। अरे सीरियसली अंदर कई बार ऐसा लगता है ये क्या, अरे कीड़ा। तो वापस कैप पहनते हुए गाड़ी में से कीड़े अलग करते हुए यहाँ का व्यू लेना, फिर चलते हुए आएगा, फिर इसको ले। अच्छा ऐसा है क्या, लाइन में चलेगा, एक भी पैर लाइन के बाहर नहीं जाएगा। क्या टॉक करके बता। गाय वगैरह ये सब उनका ना मतलब वो होता है, दूध दूध निकालना और ये सब इधर उधर सब कुछ होता है यहाँ पे, क्योंकि आप दूसरे रास्ते से आएंगे ना तो पूरा उनका रिसाइकल करना, गोबर ओबर सब इधर सब कुछ होता है यहाँ पे। शायद घाट का नाम रहता है ये क्या परिक्रमा वाले, हम बता क्या नर्मदा नदी रहती है ना, तो ये नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो उसको नदी को क्रॉस नहीं करना रहता है, उसमें सब आउटर आउटर से पूरा निकलना रहता है, कंप्लीट सर्किट मानना रहता है। चार महीने तक कितने दिन से ये कर रहे हैं हमको, अभी एक महीना हुआ, एक महीना हो गया है, तीन महीने और, अभी तीन महीने चार महीने मैया जब भी ले जाए। अच्छा बाइक से इतना मुश्किल हुआ था और अब पैदल आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। बाइक से जब इतना मुश्किल है तो ये लोग पैदल कर रहे हैं। अच्छा ये लोग नदी को क्रॉस नहीं करेंगे, जो भी करेंगे नदी जहाँ जहाँ से बह रही है ना उनके बाहर से ही जाना है, अगर इन्हें क्रॉस किए तो परिक्रमा नहीं कहलाएगी। जैसे इन्होंने यहाँ से शुरू किया तो ये उधर जाएंगे पूजा पाठ करके फिर वापस आके यहीं एंड करेंगे। इसमें ये भी है कि आप इनको लिफ्ट जो कुछ भी कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये वैसे ही पैदल ही करेंगे। देख रहा अपन कोई नहीं देख रहा, आप ही को देख रहा, जितने देख रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे तो समझ में आता है, देख रहे हैं नॉर्मल चल भी रहे हैं तो उल्टी उल्टी घुमा के देख रहे। अरे भाई क्या कर रहा है ये, कुछ अजीब दिख रहा है। ओ तेरी सही है भाई, इसे कहते हैं धुआंधार। अब इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करने का समय आ गया है ना, सीरीज एंड, नागपुर टू जबलपुर सीरीज एंड, एंड पॉइंट भेड़ाघाट। फिर मिलेंगे। मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और टूटू का आजाद का मतलब दिल की गहराई से शुक्रिया ही बोल सकता हूँ। असली भेड़ाघाट लोगों के हिसाब से ये है, मैंने लोग भेड़ाघाट को अलग नज़र से देखा क्योंकि मुझे अलग नज़र से भेड़ाघाट को दिखाया गया है।